मानसून आते ही डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। कारण साफ है, पानी के जमाव की वजह से मच्छरों की बढ़ती संख्या। फीमेल एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वेक्टर होती है, जिनके काटने की वजह से ये बीमारी होती है। डेंगू के कारण शरीर के प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगते हैं, जिसके कारण कई बार मरीज की जान भी चली जाती है। ऐसे में डेंगू के इलाज के दौरान दवाओं के साथ साथ अपनी डाइट में कुछ फलों और सब्जियों को शामिल करने से मरीज को जल्दी रिकवर करने में मदद मिलती है। डेंगू के लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं: तेज बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द होना, उल्टी, शरीर में दर्द होना। दोस्तों, अगर आप जॉइंट पेन के लिए एक अच्छा टेंस मसाजर ढूंढ रहे हैं तो आपको अगैरो ब्रांड के टेंस मसाजर की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जिसे आप ट्रैवलिंग में अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसमें 20 मोड्स और 10 इंटेंसिटी लेवल देखने को मिलता है। साथ ही ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है। अगर आप ये मसाजर परचेस करना चाहते हैं तो उसका एक लिंक मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप ये मसाजर परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डेंगू से अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं तो आपको इन फलों और सब्जियों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। पहला, आपको कीवी ज़रूर खाना चाहिए। कीवी बुखार ठीक करने में काफ़ी मददगार होती है। विटामिन सी और पोटेशियम से भरपूर कीवी खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। साथ ही ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में भी मदद करता है। दूसरा, आपको पपीते के पत्ते का जूस पीना चाहिए। पपीते के पत्ते का जूस पीने से प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद मिलती है, जो डेंगू से रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। पपीते में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तीसरा, आपको पालक खाना चाहिए। पालक में विटामिन ए, सी और के पाया जाता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। वहीं विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इसके अलावा पालक में आयरन भी पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। चौथा, नारियल पानी। नारियल पानी पीने से डायरिया और उल्टी की वजह से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को दूर करने में मदद मिलती है, इसलिए डेंगू के मरीजों को नारियल पानी से काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचता है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।